हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेशम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ तथा इसके क्या परिस्थितियां थी जिसमें इसका विघटन हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। चलिए जानते हैं। सोवियत संघ के विघटन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे। पॉइंट नंबर वन है फ्रेंड्स हमारा राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। मतलब फ्रेंड्स, जो अंदरूनी कमजोरी थी जैसे भ्रष्टाचार आदि, इसके कारण वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। मतलब फ्रेंड्स, इससे उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उसमें बहुत सारी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुले आम सवाल खड़े करने शुरू किए गए। अब हमारा पॉइंट नंबर टू है फ्रेंड, संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाना। संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। मतलब फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, संसाधन उनके पास जितने भी थे उसका अधिकांश भाग उन्होंने परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगा दिया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के पिछलगु देशों के विकास पे भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। मतलब फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, अपने संसाधन को यूरोप के जो पूर्वी देश थे उनके विकास के ऊपर खर्च किए। मतलब फ्रेंड्स, वो लोग जानबूझ के उनके ऊपर खर्च करते थे। अगर वो उनके ऊपर खर्च नहीं करते तो वो सोवियत के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने हमें उनके ऊपर खर्च किया। तो अब हमारा पॉइंट नंबर थ्री है फ्रेंड्स, पश्चिमी देशों के बारे में जनता की बढ़ती जानकारी। पश्चिम देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ गई। मतलब फ्रेंड्स, पश्चिम देश जितने थे उनकी जो तरक्की हो रही थी उसके बारे में सोवियत संघ के जो आम नागरिक थे उनको उसकी जानकारी हो गई थी। ये अपनी राजव्यवस्था और पश्चिम देशों की राजव्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। मतलब फ्रेंड्स, ये दोनों में जो अंतर था, यानी सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच जो अंतर था उसे ये लोग समझ रहे थे, आम नागरिक समझ रहे थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। मतलब फ्रेंड्स, सोवियत संघ जो था वो पश्चिम के पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उससे बहुत पीछे हो चुका था और ये बात पूरी जनता को मालूम हो गई थी। अपने पिछड़ेपन से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। मतलब फ्रेंड्स, वहाँ की जो आम जनता थी उन्हें जब पता चला कि उनका देश इतना पीछे हो गया है सोवियत संघ, तो उन्हें राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लगा। अब हमारा पॉइंट नंबर फोर है फ्रेंड्स, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरुद्धता। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ 70 सालों तक शासन किया और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। मतलब फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने वहाँ पर 70 सालों तक शासन किया और अब यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सुस्त प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। मतलब फ्रेंड्स, ये सुस्त प्रशासन और भारी भ्रष्टाचार और देश की विशालता के बावजूद भी वहाँ पर जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत होती थी, इन सारी कारणों से ही आम जनता जो थी वो अलग थलग पड़ गई। तो अब हमारा पॉइंट नंबर फाइव है फ्रेंड्स, मिखाइल गोबरचेव के सुधार। मिखाइल गोबरचेव ने सुधारों के द्वारा समस्याओं का समाधान का वायदा किया। मतलब फ्रेंड्स, मिखाइल गोबरचेव जो थे उन्होंने सुधार करने का वादा किया और समाधान करने का सोचा। गोबरचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। मतलब फ्रेंड्स, गोबरचेव जो थे उन्होंने बोला कि वो अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे और पश्चिम की बराबरी करेंगे और उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का भी उन्होंने वायदा किया। गोबरचेव ने इन सुधारों
को लागू भी किया, मतलब गोरचेव ने इन जितने सुधार उन्होंने कहा उसे उन्होंने अपनाया भी, उसे लागू भी किया। इससे लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ने लगी। मतलब फ्रेंड्स इससे क्या हुआ, लोगों की आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं बढ़ने लगी और लोग और ज़्यादा चाहने लगे। तो अब हमारा पॉइंट नंबर 6 है फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और ब्लेंटिन गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावी उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ तथा इसकी परिस्थितियां क्या थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।